Look at this! The pocket bee! Yes, I am blessed. मैं अनबॉक्स करने वाली हूँ अपना ह्यूज अमेज़न ऑर्डर और ह्यूज का मतलब रियल में ये फर्स्ट इंप्रेशन होने वाला मेरा तो देखते हैं कि आज मेरे पास क्या क्या है। उसके पहले आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लो। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं रैंडम ऑर्डर में जाने वाली हूँ क्योंकि ऑनेस्टली मुझे नहीं पता है कि क्या क्या है। कुछ चीजें ऐसी है जो कि ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन में आई है तो वो मुझे चलेगा, लेकिन मैं इससे शुरुआत करती हूँ। आई डोंट नो एग्जैक्टली ये क्या है। ओ माय गॉड, इसमें तो बबल रहा था यार। थैंक गॉड नहीं कटा। मैं मतलब कि मैं ऐसा काम कर रही थी, उन्होंने फोल्ड कर दिया यार कपड़े के साथ। ओके, ये निकला है एक कुर्ती जो कि है रेड कलर का। ऑब्वियसली मुझे याद है कि मैंने क्या ऑर्डर किया था, लेकिन मैं पहली बार देख रही हूँ इसीलिए मैं बोल रही हूँ। लुक एट दिस, इट इज वेरी वेरी प्रिटी। इट इज नॉट, मतलब कि इसका फैब्रिक भी काफी अच्छा है, मतलब कि ब्रीदेबल मटेरियल से काफी अच्छा लग रहा है मुझे। कलर तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, इसमें गोल्डन सा वर्क किया हुआ। एक्चुअली मैंने ये अपनी मम्मी के ऑर्डर किया था। लुक एट दिस, मुझे लग रहा है ये काफी अच्छा है। इसका लेंथ भी काफी अच्छा है। हाँ, मतलब मेरे एक्सपेक्टेशन से तो ज्यादा ही अच्छा है। लुक एट दिस, फिनिशिंग भी बहुत ज्यादा अच्छी है इसके, तो मुझे सच्ची में बहुत अच्छा लगा ये। और हाँ गाइस, आज की जितनी भी चीजें मैंने ऑर्डर की है उन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वो चेक करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अभी अमेज़न पे बहुत अच्छा सेल चल रहा है, तो अभी बहुत अच्छा टाइम है और शॉपिंग करने के लिए। तो जितनी भी चीजें आपको पसंद आए वो सबको जाके ऑर्डर कर लेना फटाफट से, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट आई हैव, ओके मैं थोड़ा ध्यान से खोलूंगी यार, पता नहीं मैंने फर्स्ट में ही गड़बड़ कर दी थी। ओके, दिस इज द टॉप। Look at this! ये मैंने एक कॉटन का टॉप मंगवाया था क्योंकि समर के टाइम में मुझे ना बिल्कुल भी ये फैब्रिक होते हैं अलग टाइप का फैब्रिक पहनना पसंद नहीं, लेकिन मुझे कॉटन का पहनना पसंद है। लुक एट दिस, मैंने ये जो पहना है ये ना एक्चुअली में इट इज नॉट वेरी समर फ्रेंडली फैब्रिक, लेकिन क्या है ना कि अभी एसी चल रहा होता है तो उस टाइप पे चलता है, लेकिन नॉर्मल में बाहर जाना हो तो फिर मुझे बिल्कुल भी नहीं चलता, इसीलिए मैंने ये कॉटन टाइप का टॉप मंगवाया था। और ये काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। इट इज लुकिंग वेरी प्रिटी, मतलब कि अच्छा सच्ची में फैब्रिक मेनली बहुत ज्यादा अच्छा है, कलर भी काफी अच्छा है, कलर कॉम्बिनेशन भी काफी अच्छा लग रहा है। पहनने में भी मुझे लग रहा है कि अच्छा ही लगेगा। व्हाट इज दिस, आई डोंट रिमेम्बर, याद आ गया। ओके, ये कुर्ती ड्रेस है। एक्चुअली मुझे तो लग रहा था कुर्ती ड्रेस जैसे मैंने ऑर्डर किया था, लेकिन मुझे लग रहा है कि इट इज मोर हैवी देन आई एक्सपेक्टेड। इस पे काफी हैवी वर्क किया हुआ है। लुक एट दिस सी, मतलब मुझे तो नहीं पता था यार इतना ज्यादा काम है इस पे। सो प्रिटी, ऐसा नहीं है कि चीप क्वालिटी हो, काफी अच्छा सा वर्क है और ये फैब्रिक भी कॉटन है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका लेंथ भी अच्छा है, मुझे सच्ची में ये बहुत मेरे एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा अच्छा लग रहा है यार ये, तो आप ये बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। और ये बिल्कुल भी चीप नहीं लग रहा, सबसे अच्छी बात ये है, बहुत अच्छा लगा मुझे। ओके, तो ये मैंने एक शॉर्ट कुर्ती मंगवाया था जो नहीं नॉर्मल हम पहन सकते कभी कभी, अच्छा लग रहा है। इट इज मतलब स्लिट वाला कुर्ती है, इट इज नॉट लाइक वो जो अनारकली टाइप का था वो नहीं है, इट इज कम्प्लीटली कॉटन। मतलब मैंने ना ये समर किसी तरह मैं हमेशा कॉटन फैब्रिक ही ढूंढती रहती हूँ, इसलिए मैंने सारी मैक्सिमम शॉपिंग जो है वो कॉटन फैब्रिक में ही की है। इट इज वेरी सॉफ्ट, इसका कलर भी काफी ज्यादा अच्छा है। नेक्स्ट आई हैव टू कुर्ती सेट जो की है, एक ग्रीन कलर का और एक है ये मरून कलर का। ये दोनों मैंने अपनी मम्मी के लिए मंगवाया है। इट इज सो अफोर्डेबल, मतलब इतने कम रेट में आपको कुर्ती और नीचे प्लाजो दोनों मिल रहा है, और क्या चाहिए आपको। ये कम्प्लीटली कॉटन है, बहुत सॉफ्ट मटेरियल है इसका, रेगुलर वेयरिंग के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे अभी तक सारी चीजें अच्छी लग रही है, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ना नॉर्मली क्या होता है, मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ तो कितनी बार ऐसा होता है ना कि आप कुछ सोचते हो और आ कुछ और ही जाता है, तो वो तो अभी तक मुझे नहीं लग रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। मरून कुर्ती सेट, कलर थोड़ा सा अलग ऑफ टाइप लग रहा है मुझे। इट इज नॉट वेरी ग्लॉसी इन कलर, मेली है, काफी ज्यादा अच्छा सॉफ्ट लग रहा है मुझे। नेक्स्ट आई हैव वन मोर कुर्ती, स्ट्रेट लाइन कुर्ती, ये ब्लू कलर का है और इट इज सो प्रिटी। लुक एट दिस, ये काफी ज्यादा स्मार्ट टाइप कुर्ती, अगर आप इसके साथ चाहो तो नीचे लेगी पहन सकते हो, नीचे जीन्स पहन सकते हो, कुछ भी पहन सकते हो, ये बहुत ज्यादा अच्छा लग गया। तो कलर मेली मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे ना एक्चुअली ब्लू कलर काफी ज्यादा अच्छा, ब्लू फैमिली जो होती है ना कम्प्लीटली, वो मुझे सारी बहुत अच्छी लगती है। I have this, जो कि मुझे पता नहीं है कि क्या है।
ओके सर कुर्ती पिंक इन कलर, इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन है। एक्चुअली मैंने ये मंगवाया था कि ये मैं जीन्स के ऊपर पहनूंगी और ये पिंक कलर मैंने इसलिए मंगवाया था कि थोड़ा सा वो यू नो बैलेंस हो जाता है, कम्प्लीटली प्लेन है। मैं पहले ब्लैक मंगवा रही थी कि मेरी मम्मी है ना वो हमेशा कहीं ब्लैक पहने ही देती नहीं है मुझे, क्योंकि कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार। इसमें पॉकेट भी है, लुक एट दिस, बहुत अच्छा मुझे कलर बहुत ज्यादा प्रिटी लग रहा है मुझे। खादी टाइप मटेरियल होता है ना कुछ उस टाइप का है, इट विल लुक वेरी स्मार्ट ऑन जीन्स, जीन्स के साथ बहुत अच्छा लगेगा। इसमें कलर ऑप्शंस बहुत सारे और भी है, ये बॉक्स बाकी है अभी। ओके लुक एट दिस टॉप, आई वाज वेटिंग फॉर दिस। मुझे ना इसका एक्चुअली कलर बहुत अच्छा लगा था, मुझे ये ऑरेंज कलर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। सी इट्स सो प्रिटी, इट इज वेरी वेरी नाइस, इसका कलर बहुत अच्छा लग रहा है। सी आगे डिटेलिंग भी काफी अच्छी की हुई है। नेक्स्ट आई हैव दिस नाइट सेट कॉम्बो, दो कलर है, एक मरून है एक और ये पर्पल है। लुक एट दिस, सो क्यूट, सो सॉफ्ट। और ये जब से कुछ बात है, ये जो लिखा हुआ है ये इट इज नॉट ऑल्सो, मतलब ये भी बिल्कुल भी रफ टाइप का ऐसा कुछ नहीं है। निकी दिवाली नहीं होता हमारे टी शर्ट या नाइट ड्रेस में ऐसा प्रिंट होता है जो कि निकलता है अलग से स्टिकर जैसा, वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लगता, लेकिन ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये दो का कॉम्बो था और इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन भी अलग अलग कलर सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने ये दोनों कलर सिलेक्ट किए, लिखा हुआ है ब्लेस्ड, यस आई एम ब्लेस्ड। लेट्स मूव ऑन टू दिस बॉक्स। ओके द फर्स्ट चीज आई है मेरे पास, ये शूज। लुक, मैंने ये शूज मंगवाए थे, मतलब यू नो रेगुलर वेयर के लिए, कभी कभी ऐसे ही आपको पहनना तो उसके लिए ये बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है। इस पर ब्रांड बाटा, दो कलर्स और थे लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लग रहा कि यार ये पिंक और व्हाइट का कॉम्बो काफी अच्छा लग गया, तो मैंने ये अलग ले लिया। नेक्स्ट मेरे पास है, ये दो टॉप्स मंगवाए थे, ये एक जैसे ही है लेकिन मैंने अलग अलग कलर मंगवाए थे। इट इज ओवर साइज शर्ट, लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा ज्यादा ओवर साइज है, तो आई डोंट लाइक ओवर साइज क्लोथ, तो मुझे फिटिंग वाला ज्यादा पसंद, तो मैं इससे साइज एक कम कर लूंगी। थोड़ा सा रफ टाइप जो कॉटन टाइप का नहीं होता है कि वैसा कुछ लग रहा है। एंड इट इज जॉर्जेट, दोनों बहुत सॉफ्ट है, ऐसा नहीं है, इट्स वेरी सॉफ्ट। नेक्स्ट आई हैव दिस चीटा प्रिंट शर्ट, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इसे काफी अच्छे तरीके से स्टाइल किया जा सकता है। आई एम टायर्ड ऑलरेडी, सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लुक एट दिस। ओके मतलब कि मैंने ये मंगवाया था ड्रेस, ये सोचिए ब्लैक नॉर्मल सा ड्रेस है, लेकिन इट्स मोर, मतलब कि काफी अच्छा लग रहा है, मतलब कि मेरे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इसका फैब्रिक बहुत ज्यादा अच्छा है। सी वेरी वेरी नाइस। सो गाइज आज के वीडियो के लिए मेरा सारे परचेज कंप्लीट हो गए, और मुझे लगता है कि आज मैंने कुछ ज्यादा ही शॉपिंग कर ली थी, तो आज की सारी ही चीजें मुझे बहुत बहुत ज्यादा अच्छी लगी है। उन सारी ही चीजों के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, लुक एट दिस। ये सब कुछ समेटने में काफी टाइम लगने वाला है। एनीवेज आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को, भूलना मत, और मुझे कमेंट बताओ कि आपको इन सब चीजों में सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिल्कुल बिल्कुल भी मत भूलना, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करना, आपको मेरी आईडी दिखाई दे दूंगी। सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय, नमस्ते।